देखिए, तीसरी लहर के बारे में हम पिछले महीने से ही इस बारे में तैयारी कर रहे हैं। हमें ये अंदाजा है कि लोगों का मानना भी है कि ये जो आएगी इसमें बच्चों की संभावना बीमार होने की ज्यादा है, तो हमारे वहाँ पीडियाट्रिक वार्ड बन रहे हैं, पीकू हमारे वहाँ अपग्रेड हो गए हैं, और जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं पीडियाट्रिशियन, उन्होंने कई डॉक्टर्स को जो जनरल डॉक्टर थे उनको ट्रेनिंग के करा करके थोड़ा अपडेट करा दिया है। मेडिसिन उनसे हमने पूछ ली है, वो उपलब्ध हमने करा दी है, और वार्ड हमने 200 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड एक अपग्रेड बनाने के लिए हमने प्रक्रिया चालू कर दी है। ऑक्सीजन की हमारे वहाँ प्लांट लग चुके हैं, और प्रधानाचार्य महोदय की गाइडेंस के हिसाब से हमने जो है सारी तैयारी हम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जब भी कभी भगवान न करे ये वेव दोबारा आए तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो हम ये आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि दून अस्पताल अगर कोई थर्ड वेव की संभावना आ गई तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और हमारा स्टाफ उसके लिए ट्रेंड हो चुका है, और सारी सुविधाएं हम वक्त पे तैयार करके रख लिए है। कि हमने सभी निर्देश दिए हैं कि कोई भी बीमार, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, वो बीएचसी पे भी अगर आता है और उसको ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसको वहाँ पर, वो दो बेड लगी हैं, उसको जो है वहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा दी जा सके, तो जिससे क्या है कि उसकी आधे से ज़्यादा समस्या तो वहीं दूर होती है, और अगर उसके बाद भी वो उसका स्वास्थ्य में सुधार नहीं आता है तो उसके बाद वो वहाँ से आगे रेफर किया जा सकता है, बड़े अस्पताल में भेजा जा सकता है। लेकिन तब तक क्या है कि उसको एक जो है शुरुआती जो ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल चुका होगा, तो उससे उसकी जान को हम बचाया जा सकता है। दूसरा कि हमने बच्चों के लिए सारी जो दवाइयाँ हैं उनको खरीद लिया है, और लगभग सभी के लिए हमने ऑर्डर दे दिए हैं, वो भी पहुँच रही हैं हमारे पास, तो वो दवाइयाँ भी उन जगहों तक पहुँच जाएंगी, और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनके कि हम अलग अलग पैकेट्स बनाएंगे, है ना, कुछ तो वो जो है 3 महीने तक उन बच्चों को दी जानी है लगातार, तो उससे क्या है कि उनके इम्यूनिटी में जो है वो सुधार होगा, तो उससे रोग से लड़ने की उनकी जो है क्षमता बढ़ेगी,